सूर्या ने सीक्रेट बताया, नए टारगेट से पर्दा उठाया, गंभीर पर नया खुलासा सामने आया। टीम इंडिया के T20 इंटरनेशनल्स के नए कप्तान सूर्य कुमार यादव इस वक्त सुर्खियों में हैं। जब से उनका डेब्यू कप्तानी वाला सीरीज श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने 3-0 से जीता है, उसके बाद से सूर्य कुमार यादव रोल में हैं, यानी कि उनका दबदबा कायम है। हालांकि सूर्य कुमार यादव फिलहाल डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं, क्योंकि उनको T20 के अलावा दो फॉर्मेट यानी कि वनडे और टेस्ट क्रिकेट में अब वापसी करनी है। एक समय टीम इंडिया का डेब्यू टेस्ट क्रिकेट से करने वाले सूर्या की जगह फिलहाल टेस्ट क्रिकेट में नहीं है और अब उनका अगला टारगेट यही है कि वो टेस्ट क्रिकेट में वापसी करें। फिलहाल सूर्य कुमार यादव बूची बाबू टूर्नामेंट खेल रहे हैं, जो कि एक रेड बॉल टूर्नामेंट है, और यहां से सूर्य कुमार यादव भारत की टेस्ट टीम में वापसी करना चाहते हैं। इस साल भारतीय टीम को कुल 10 टेस्ट मैच खेलने हैं और यही वजह है कि अब सूर्य कुमार यादव की नजरें T20 इंटरनेशनल्स के बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी करने पर हैं। इस बारे में बूची बाबू टूर्नामेंट खेलने से पहले उन्होंने रिपोर्टर से बात की। टेस्ट क्रिकेट में वापसी पर सूर्य कुमार यादव ने क्या कहा, आपको वो बताते हैं। टेस्ट क्रिकेट में अपनी जगह बनाने के लिए कई खिलाड़ियों ने काफी मेहनत की है और मैं भी उस जगह को फिर से पाना चाहता हूं। मैंने अपना इंडिया डेब्यू टेस्ट क्रिकेट से ही किया था, हालांकि उसके बाद मैं चोटिल हो गया। कई लोगों को मौका मिला और उन्होंने अच्छा प्रदर्शन भी किया। फिलहाल उन लोगों को मौके की ज्यादा जरूरत है। आगे चलकर अगर मुझे टेस्ट खेलना होगा तो मैं खेलूंगा, लेकिन वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। फिलहाल जो मैं कर सकता हूँ वो ये है कि मैं बूची बाबू टूर्नामेंट खेलूं और उसके बाद दुलीप ट्रॉफी खेलूं और देखूं कि क्या होता है। लेकिन 10 टेस्ट मैच के लिए मैं उत्साहित हूँ और चाहता हूँ कि टेस्ट टीम में वापसी कर सकूं। साफ है सूर्य कुमार यादव को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि मेहनत का कोई और विकल्प नहीं है। 33 साल की उम्र में T20 अंतर्राष्ट्रीय टीम की कप्तानी मिलना भी सूर्य कुमार यादव के लिए कोई आम बात नहीं थी और जिस अंदाज से उन्होंने 33 साल की उम्र में टीम इंडिया को अपने पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज में बतौर कप्तान जीत दिलाई वो भी बेहद खास था। भारतीय टीम को श्रीलंका के खिलाफ स्काई की कप्तानी में 3-0 से सीरीज जीत मिली। इस सीरीज की बात करें तो तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारतीय टीम की हार लगभग तय थी, लेकिन सूर्य कुमार यादव के अनोखे कप्तानी और अनोखे कॉल्स की वजह से टीम इंडिया ने न सिर्फ उस मुकाबले को जीता बल्कि श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में क्लीन स्वीप भी किया। उस सीरीज में न सिर्फ भारतीय टीम को नया कप्तान मिला था बल्कि एक नया कोच भी मिला था। उस कोच यानी कि गौतम गंभीर पर सूर्य कुमार यादव ने क्या खुलासा किया वो भी सुन लीजिए। मुझे लगता है कि उन्होंने जिस तरह से इंडिया के लिए खेला वो काफी शानदार था और वो हर खिलाड़ी की ताकत को पहचानते हैं। उन्हें पता है कि खिलाड़ी मैदान पर क्या करना चाहता है या प्रैक्टिस सेशन में क्या करना चाहता है, इसलिए उन्होंने हर किसी को फ्री हैंड दिया हुआ है। सूर्य कुमार यादव जिस फ्री हैंड की बात कर रहे हैं इसका मतलब है आजादी। ये बात सच है कि गौतम गंभीर ने फिलहाल हर खिलाड़ी को पूरी आजादी दी हुई है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि गौतम गंभीर की कंपनी में भारतीय टीम ने T20 सीरीज में क्लीन स्वीप तो किया, लेकिन उसी श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में 27 साल बाद हार का भी सामना भारतीय टीम को करना पड़ा। अब देखना ये है कि टीम इंडिया अपने आगे के असाइनमेंट्स में गौतम गंभीर की कोचिंग में कैसा प्रदर्शन करती है। हालांकि सूर्य कुमार यादव के बयान से ये बात तो साबित हो चुकी है कि सूर्य कुमार यादव T20 के बाद अब टेस्ट क्रिकेट में भी वापसी करना चाहते हैं और अपना दबदबा बनाना चाहते हैं।